नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ उस कंपनी के इन्फॉर्मेशन अपडेट्स भी आपको जरूर शेयर करूंगा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा, जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके आप खुद काम कर सकते हैं, खुद उसके ऊपर स्टडी करके आप कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन इंडिया के एक सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि एंजल वन सिर्फ ब्रोकिंग फर्म के ऊपर नहीं, कंपनी इंश्योरेंस के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ डिपोजिटरी फर्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक के ऊपर, कमोडिटी सेगमेंट, करेंसी के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल बैंक ब्रोकिंग के ऊपर, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और साथ ही साथ डिपोजिटरी सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड्स, और साथ ही साथ कंपनी एनबीएफसी का भी लाइसेंस लेकर रखा है जिसके माध्यम से कंपनी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ कंपनी इंश्योरेंस भी बेच रहा है। तो इतने सारे काम कंपनी कर रहे हैं जिसके चलते कंपनी का फाइनेंस इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी की पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा मतलब सेम टू सेम देखने को मिला। अभी आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला है और कंपनी के डेप्थ के बारे में, तो डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है 0.60 के आसपास है। तो कंपनी के जो प्रोमोटर के होल्डिंग है वो 38 के आसपास है और कंपनी का अर्निंग पर 122 के आसपास है। सब कुछ ठीक ठाक है। 3 साल में कंपनी के एवरेज पी रेशियो भी ठीक है। क्विक रेशियो जो हमेशा कहा जाता है कि 1% के ऊपर होना चाहिए, यह तो 1% के ऊपर है, और पैग रेशियो जो कहा जाता है कि 1% के नीचे होना चाहिए वो भी सेम टू सेम लेवल में है। मतलब सब कुछ कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए और इस बार कंपनी हाइस्ट सेल्स जेनरेट किया। फर्स्ट टाइम कंपनी इसी क्वार्टर में 1,000 करोड़ का सेल्स को भी ब्रेकआउट किया, मतलब 1,000 करोड़ का भी सेल्स को वो मतलब पीछे छोड़ा, मतलब सबसे ज्यादा सेल्स किया और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 134 करोड़ से बढ़ के हो चुके 214 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके 300 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है 74 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़, 214 करोड़ और 304 करोड़, तो अलग लेवल का यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाए। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है और इंस्टीट्यूशन भी देखिए 5% के आसपास एफआईएस के पास होल्डिंग था, वो होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा चुके हैं, और डीएस के पास 8% का होल्डिंग था, वो भी होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं, और पब्लिक के पास जो 41% का होल्डिंग था वो अभी घट के हो चुके 34%। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है और पब्लिक उस होल्डिंग को वो सेल ऑफ कर रहा है। तो ये अच्छी बात है, इसका मौका आपको फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए। तो रिजर्व के बारे में बात करूं तो रिजर्व देखिए 330 करोड़ से बढ़ के हो चुके 2,500 करोड़। उस हिसाब से बोरिंग्स भी कंपनी का मेंटेन्स हुआ और उस हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। अभी कंपनी के जो बोरिंग्स है वो इस बार क्यों बढ़ा, उसके पीछे रीजन भी है। कंपनी के टोटल जो प्रोजेक्ट मिले इस बार कितना 296 करोड़ के आसपास, और उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। अभी देखा जाए तो कंपनी के लास्ट फ्यू डेज का डेटा के बारे में बात करो तो कंपनी में उतना हाई वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। अभी आप कहेंगे सर इतना कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है तो वॉल्यूम क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन भी है। अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, टॉप लेवल में लगातार भागते जा रहा है। जब कोई कंपनी कंटिन्यूअसली इतनी ज्यादा बाइंग मूड में होता है तो सोचिए कभी ना कभी उसका प्रॉफिट बुकिंग होगा करके, कभी ना कभी उसका प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगा। तो उस सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर निवेश नहीं किया। यहाँ पे पैटर्न एक क्रिएट हुआ था, 3 बार शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हो चुके हैं।
तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी टेन नहीं लूंगा, फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा। जब मौका मिले तब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, और आप उस मौके के इंतजार करिए, जब मौका मिलेगा आपके साथ भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदरसन सुमी जिसको एम सुमी नाम से आप जानते हैं, तो इस कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर की बहुत बड़ा राय है। इस कंपनी आगे चल के धमाका मल्टीबैगर कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स भी मिला। मैं पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था कंपनी को ईवी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़े से बड़े ऑर्डर्स कंटिन्यूसली मिलते जा रहे हैं, और कंपनी को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट मिला। कंपनी लास्ट 3 साल तक अगर कुछ भी नया प्रोजेक्ट ना भी मिले तो भी कंपनी खुद का सस्टेन करा पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। तो कंपनी के जो सेल्स टोटल मार्केट कैप है वो 26,600 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 50 के आसपास देखने को मिला। आरओसी आरओई दोनों ही आपको एवरेज लेवल में देखने को मिले हैं, एवरेज के बहुत ऊपर है, सॉरी एवरेज नहीं है, बहुत ऊपर है। और उसके साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी शानदार है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और कंपनी के हाथ में कैश भी है। सब कुछ मेजर करने के बाद कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बाद बात करूं तो सेल्स के मामले में बात करूं तो सेल्स अलग लेवल में देखने को मिला। 1400 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1800 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके हैं 2500 करोड़ सॉरी 2100 करोड़। तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो प्रॉफिट तो यहाँ पे बड़ा है, 116 करोड़ से 156 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो इसका मतलब ईआरपीआर बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और क्वार्टर को भी कंपनी बीट कर पाए। इसका मतलब कंपनी अपटेन सिचुएशन में ग्रोथ का चांसेस बहुत ज्यादा है। और कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी के 63 डेज लग रहा था डेटोस डे में, मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा था कस्टमर को उससे पैसा कितने दिन से मिल रहा था वो आपको देखना चाहिए। तो पैसा मिला कितना 63 डेज में, अभी देखा है तो कंपनी का 41 डेज इस बार लगा। तो इसका मतलब कंपनी डेटोस डे को धीरे धीरे करके कम कर रहा है, ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। अभी यही चीज को मतलब मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो उससे पहले लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम डेटा देखने को मिला, करीबन 60-70% के आसपास। अभी यही चीज को चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कप विथ फाइनल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला नीचे आया, मुझे लगता है और भी एक पैटर्न क्रिएट करने के बाद वो ब्रेकआउट करके एक टारगेट अचीव करा सकते हैं। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से देखा जाता है, तो इस कंपनी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एपीआईएस है। एपीआईएस का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो उसके साथ साथ कंपनी का और एक बिजनेस है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का। तो स्पेशलिटी केमिकल्स और उसके साथ साथ एपीआई, तो इस दोनों प्रोडक्ट को कंपनी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी अभी बहुत छोटा है। इस कंपनी का आगे बढ़ने का बहुत हाई पोटेंशियल है, क्योंकि केमिकल का भी डिमांड बढ़ेगा। आज डिमांड कम है, फ्यूचर में फिर से वो रिकवरी करेंगे और डिमांड बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो एपीआई है, मतलब जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट जो है, उसका भी डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि कंपनी की इस बार क्वार्टरली रिजल्ट खराब हुआ। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी का सेल्स कम हुआ, क्योंकि कंपनी के सेल्स कम होने के पीछे एक ही रीजन है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम हुआ जिसके चलते कंपनी के सेल्स कम हो गए। कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, उसी हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 37 से 35, तो कुछ इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल गया। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, तो कंपनी के अंदर में कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर कंपनी सेक्टर वाइज देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल का जो सेक्टर का जो डिमांड कम हुआ है, अगर डिमांड फिर से चालू हो गया तो सोचिएगा इस कंपनी फिर से एक धमाका परफॉर्मेंस करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाएगा। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए, और उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिले। कंपनी के जो लायबिलिटीज है वो भी देखा है तो एक ही रेंज के हिसाब से देखने को मिला। तो कंपनी का लायबिलिटी भी बढ़ा। कंपनी के लायबिलिटी में एक चीज आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा, ट्रेड्स पेबल। तो कंपनी को कितना पैसा देना बाकी है, 369, और कंपनी को कितना ट्रेड मिला वो देखेंगे तो
50, इसका मतलब जितना पेमेंट करना है तो उससे कई गुना ज्यादा कंपनी को प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। तो एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी को इस तरीके से सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए पुश मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के पास तो मैं पहले बोल चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अभी लास्ट फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो 30-50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अब इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आरती ड्रग्स के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ है, एक स्ट्रॉन्गली ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस किया था, उस रेजिस्टेंस को फाइनली ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे फिर से वही रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और नीचे भी आए। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर क्रिएट हुआ, यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है। हेड बनने के बाद अगर शोल्डर क्रिएट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मैं छोटे मोटे एंट्री नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी जोन है, तो रिक्सी जोन में मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब भी कोई मौका मिले तो उसके फायदा मैं जरूर उठाऊंगा। बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है वो एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, कंपनी 20 तारीख को आपको 20 शेयर के बदले आपको 17 शेयर देने वाला है, मतलब 20 के बदले आपको 17 शेयर मिलने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।